भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम शांति। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए एक भव्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं अपने बड़ों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ दो शब्द बोलने का मौका दिया। ये मेरे परदादा जी हैं जिन्हें हम सब डैडी बुलाते हैं। आज हमारे डैडी जी हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनका एहसास हमेशा हमारे साथ रहेगा। पल पल आपको याद करेंगे, सदा आप हमारे दिलों में बसेंगे, आंखों में आप ही हो समाए, सदा आप आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। डैडी जी ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। कर्म योगी की तरह हर समय सत्य कर्म पर रहते हुए पार किया। डैडी जी ज्ञान का सागर थे, कम बोलते थे, ज्ञान के भंडार थे, हमेशा ढाल की तरह हमारे लिए खड़े रहते थे। डैडी जी तो प्रेम के सागर थे, वे प्यार से सबसे के सिर पर हाथ रखते थे। सिर पर हाथ रखने में उनका प्यार झलकता था। आज डैडी जी हमारे बीच में नहीं है, पर हम सदा उनका हाथ और उनका साथ महसूस करेंगे। अंत में एक पंक्ति मैं अपने दादाजी श्री राजन भट्ट जी के लिए कहना चाहूँगा। अपनी अपने दादाजी की यादों से निकला भी नहीं कि आज फिर कोई याद बन चला। अभी उनका घाव भरा भी नहीं कि आज फिर एक घाव मिल गया। अभी उनके दर्द से निबुभरा भी नहीं कि आज एक और दर्द मिल गया। मुझे दुख है कि दुनिया का सबसे कड़वा सच इतनी छोटी सी उम्र में पता चल गया। ओम शांति।